भारत विभिन्न संस्कृति और सभ्यता वाला देश है। आज हम आपको राजस्थान के बीकानेर शहर से 30 किलोमीटर दूर स्थित दक्षिण दिशा में देशनोक की करणी माता मंदिर ले जा रहे हैं। माता करणी चूहों के देवी के रूप में प्रसिद्ध है। करणी माता का जन्म चारण क्षत्रिय कुल में हुआ। मंदिर में सफेद चूहे का दर्शन मंगलकारी माना जाता है। इस पवित्र मंदिर में लगभग 20,000 चूहे रहते हैं। करणी माँ एक सामान्य ग्रामीण कन्या थी, लेकिन उनके संबंध में अनेक चमत्कारी घटनाएं भी जुड़ी बताई जाती हैं, जो उनकी उम्र के अलग अलग पड़ाव से संबंध रखती हैं। करणी माता शक्ति की प्रतिमूर्ति थी और ब्रह्मचारी रही। उन्होंने अपने पति देपाजी के वंश को आगे बढ़ाने के लिए अपनी छोटी बहन का विवाह उनसे कर दिया। बताते हैं कि संवत 1595 की चैत्र शुक्ल नवमी गुरुवार को श्री करणी ज्योतिलीन हुई। संवत 1595 की चैत्र शुक्ला 14 से यहां श्री करणी माता जी की सेवा पूजा होती चली आ रही है। करणी जी का अवतरण विक्रम संवत 1444 अश्विनी शुक्ल सप्तमी शुक्रवार तदनुसार 20 सितंबर 1387 ईसा को सुआप जोधपुर में महाजी किनिया के घर में हुआ था। करणी जी ने जनहितार्थ अवतार लेकर तत्कालीन जांगल प्रदेश को अपनी कार्यस्थली बनाया। करणी जी ने ही राव बीका को जांगल प्रदेश में राज्य स्थापित करने का आशीर्वाद दिया था। करणी माता ने मानव मात्र एवं पशु पक्षियों के संवर्धन के लिए देशनोक में 10,000 बीघा ओरण यानी कि पशुओं की चराई का स्थान की स्थापना की थी। करणी माता ने पूगल के राव शेखा को मुल्तान जो कि वर्तमान में पाकिस्तान में स्थित के कारागृह से मुक्त करवा कर उसकी पुत्री रंगकंबर का विवाह राव बीका से संपन्न करवाया था। इस मंदिर का निर्माण बीकानेर के महाराजा गंगा सिंह ने राजपूत शैली में लगभग 15 से 20वीं सदी में करवाया था। मंदिर के सामने महाराजा गंगा सिंह ने चांदी के दरवाजे भी बनाए थे। देवी की छवि अंदरूनी गर्भगृह में निहित है। मंदिर में 1999 में हैदराबाद के कुंदन लाल वर्मा ने भी कुछ मंदिर का विस्तार किया था। मंदिर परिसर में लगभग 20,000 काबा यानी की चूहे रहते हैं, जिनकी देखभाल मंदिर के कर्मचारी और कार्यकर्ता करते हैं, जो उन्हें अपना रिश्तेदार मानते हैं। काबा मंदिर के अंदरूनी परिसर में जगह जगह रहते हैं और घूमते हैं, जिसमें मुख्य मंदिर रसोई हलवा बनाने के लिए इस्तेमाल किए जाने वाले बड़े लोहे के बर्तनों के पास विभिन्न साइड रूम और छत शामिल हैं। प्रत्येक स्थान पर काबा के लिए अलग अलग खाद्य पदार्थ उपलब्ध हैं। करणी माता की मूर्ति के सबसे नजदीक रहने वाले लोग देवी को चढ़ाए जाने वाले प्रसाद के विभिन्न रूपों जैसे लड्डू मेवे नारियल और चीनी के क्रिस्टल के साथ साथ दूध रोटी अनाज फल सब्जियां और यहां तक कि शराब भी खाते हैं। यह देखा गया है कि काबा को मानवीय संपर्क और स्पर्श की आदत हो गई है। वे भक्तों की गोद में या उनके कंधों पर बैठते हैं। वे आगंतुकों के हाथों से और रसोई में चरण कर्मियों के साथ एक ही थाली में खाना खाते हैं। काबा द्वारा कुतर कर खाया गया भोजन खाना उच्च सम्मान माना जाता है। मंदिर के नियमों में कहा गया है कि यदि आप गलती से चूहों में से किसी एक पर पैर रख देते हैं और उसे मार देते हैं तो आपको उसकी जगह ठोस चांदी या सोने से बना चूहा रखना चाहिए। मंदिर में हजारों काबा चूहों में से कुछ सफेद काबा चूहे हैं, जिन्हें विशेष रूप से पवित्र माना जाता है। माना जाता है कि वे करणी माता और उनके चार भतीजों के अवतार हैं। उन्हें देखना एक विशेष आशीर्वाद माना जाता है और आगंतुक उन्हें लाने के लिए बहुत प्रयास करते हैं, प्रसाद चढ़ाते हैं, जो एक मीठा पवित्र भोजन है। मंदिर परिसर के अलावा ट्रस्ट कई गौशालाओं का भी संचालन करता है। मंदिर प्रशासन देशनोक में पेड़ों की कटाई पर प्रतिबंध भी लागू करता है। है ना एक अद्भुत मंदिर, जहां भी देखो मंदिर में चूहे ही चूहे नजर आते हैं।